नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूं तो पूरे देश में ही नवरात्रि में स्थापित होने वाली देवी दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण होता है, लेकिन बंगाल में बनने वाली मूर्तियां बहुत खास होती हैं। इसके पीछे की वजह उसके बनने की प्रक्रिया और प्रतिमा में प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी है। आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर क्यों है बंगाल की दुर्गा मूर्ति इतनी खास और कहां से आती है यह मिट्टी। बंगाल में जो मूर्तियां बनती हैं उनमें मां की आंखों को विशेष महत्व है। आंखों को चढ़ावा यहां की एक बहुत पुरानी परंपरा है जो आज भी चली आ रही है। इसे चौखुदान के नाम से जानते हैं। इसमें देवी दुर्गा की आंखों को चढ़ावा दिया जाता है। इन मूर्तियों या चाला नमूना को बनाने में 4 महीने का समय लगता है। वहीं देवी दुर्गा की आंखों को अंत में बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकारों द्वारा माता रानी की आंखें केवल रात में ही बनाई जाती हैं, और यह परंपरा भी दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा निभाई जाती है। वही कारीगर माँ की आंखों को पूरा करके ही लोगों को चाला सौंपते। बता दें कि बंगाल में माँ भवानी की बनने वाली मूर्ति में सोनागाछी की मिट्टी जरूर प्रयोग की जाती है। इस परंपरा को अरसे से निभाया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों का मानना है कि इस मिट्टी के इस्तेमाल के बिना देवी माता की मूर्ति पूरी नहीं मानी जाती। उनकी माने तो इस परंपरा के पीछे भी माँ भवानी की ही इच्छा है। सोनागाछी की मिट्टी इस्तेमाल करने के पीछे मान्यता है कि एक वैश्या माँ दुर्गा की अनन्य भक्ति, उसे समाज के तिरस्कार से बचाने के लिए माँ दुर्गा ने उसे वरदान दिया था कि जब तक उसके घर की मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा तब तक उनकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। यही वजह है देवी की प्रतिमा में कोठे के आंगन की मिट्टी का प्रयोग अवश्य रूप से किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।